एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर वापस आ जाता है। आप गैस को एक्सपैंड करते हो, कंप्रेस करते हो, जो टेम्परेचर इनिशियल है फाइनल वही हो जाता है। तो याद रखना, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपने वर्ड साइक्लिक पढ़ लिया, उठा के फर्स्ट लॉ में डी यू को क्या कर देना है, जीरो। तो लिखो फॉर्मूला बुकलेट में, लिखो इन साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक प्रोसेस डी यू इक्वल टू वॉट, जीरो। डी यू इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। और ये भी लिख लो, अगर फर्स्ट लॉ लगाना पड़ जाए तो फर्स्ट लॉ के अंदर देखते डी यू को क्या पुट कर देना है, जीरो इन साइक्लिक प्रोसेस। पहला पॉइंट ये लिखो, क्योंकि जब थर्मो रिवाइज करेंगे तो फॉर्मुला बुकलेट ही फटाफट रिविजन करवा देगी आपकी। प्लस टू में जब प्लस वन की रिविजन होती है, सबसे काम की चीज ये बुकलेट्स नहीं है, सबसे काम की चीज आपके लिखे हुए फॉर्मूलास है, क्योंकि जितनी जल्दी वो तैयारी करवा सकती है और कोई नहीं करवा सकती, आपके हाथ से लिखी हुई है ना, तो फटाफट फटाफट गो थ्रू हो जाता है। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट है बॉइलिंग प्रोसेस। ये मेंस में दो बार आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में, और ये बहुत आता है, नीट और मेन दोनों में आता है। उनको पता है स्टूडेंट्स का गलत आंसर देगा ही देगा जो पढ़ के नहीं आया। देखो, लिखो यहां पे हेडिंग, लिखो इन बॉइलिंग प्रोसेस, इन बॉइलिंग प्रोसेस। देखो बॉइलिंग प्रोसेस में क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर कन्वर्ट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में। ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड डी यू। अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया, जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो डी यू स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कर देना है, जीरो। टेम्परेचर चेंज है डी यू जीरो, उसमें जीरो ऑप्शन पक्का होगा, नहीं मार्क करना। बॉइलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें छुपी हुई हीट है, छुपी हुई है इंटरनल, दिख नहीं रही, तभी उसका नाम है लेटेंट हीट, छुपी हुई बाहर आती है। तो डी यू फर्स्ट लॉ लगाने, डी क्यू इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू लिखने, फिर डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू लिखने ऐसे। तो फिर आपने इसमें क्या करना है, जब न्यूमेरिकल आएगा डी क्यू में पुट करने एम एल लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और पी डी वी डी डब्ल्यू में पी डी वी, न्यूमेरिकल में याद रखना पी डी वी, क्योंकि वो क्या देगा आपको, वाटर का वॉल्यूम देगा, वो आपको स्टीम का वॉल्यूम देगा, माइनस करके चेंज इन वॉल्यूम आएगा आपके पास, तो वर्क डन आ जाएगा, पी डी वी प्रेशर भी देगा। और डी क्यू में कितनी हीट रिक्वायर्ड है ताकि आप वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करें, हमने किया था क्यू इज इक्वल टू एम एल, यहां से डी यू आएगा, जीरो मार्क नहीं करना, तो आपको पक्का जीरो देगा। हालांकि किसी गैस की अगर बात करते, देखो गैस अलग चीज है, स्टीम बनना अलग चीज है, गैस को जब कंप्रेस या एक्सपैंड करते हैं और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डी यू स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या पुट करना है, जीरो ही करना है, गैस के लिए जीरो ही करना है, बॉइलिंग में बिल्कुल भी जीरो नहीं करना, ऐसे करना है। ये करने की जरूरत नहीं, बट ठीक है, हो गया डन, यही बताना था मुझे, इसे न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको एनसीईआरटी में। डी यू बढ़ गया ना, फिर खत्म होगी बात, उसमें ये नहीं का पोटेंशियल या काइनेटिक, डी यू बढ़ गई बात खत्म होगी, डी यू पूछेगा, वो डिटेल नहीं पूछेगा अंदर कौन सी एनर्जी बढ़ी, बट डी यू बढ़ गया, कहेगा फाइन डी यू, न्यूमेरिकल देगा आपको। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, वैसे किसी भी गैस के लिए अगर टेम्परेचर चेंज ना हो तो डी यू स्ट्रेट फॉरवर्ड जीरो। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल वर्ड सुनते ही डी उठा के क्या पुट कर देना है, जीरो, क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो डी यू जीरो। तो लिखो आइसोथर्मल प्रोसेस में, लिखो डी यू जीरो, आइसोथर्मल में डी यू जीरो। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें?
नेक्स्ट एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होता, तो फर्स्ट लॉ जब लगेगा तो डी क्यू उठा के सीधा ही जीरो, न्यूमेरिकल में लिखा होगा एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है, और फर्स्ट लॉ की प्रॉब्लम आएंगी, सबसे पहले डी क्यू जीरो, तो लिखो एडियाबैटिक में डी क्यू जीरो, एडियाबैटिक में डी क्यू जीरो। ठीक है, तो अब अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ में आइसोथर्मल में डी यू जीरो, साइक्लिक प्रोसेस में डी यू जीरो, एडियाबैटिक में डी क्यू जीरो, ठीक, आइसो आइसोकोहरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डी डब्ल्यू जीरो, क्योंकि लिख लो इन आइसोकोरिक, लिख लो इन आइसोकोरिक, ठीक, वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट है, तो ऐसे में डी डब्ल्यू क्या होता है पी डी वी, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन जीरो, तो वॉल्यूम जो कांस्टेंट है वर्क डन जीरो, ठीक, और एडियाबैटिक में डी क्यू जीरो। तो याद रहेगा न्यूमेरिकल में स्ट्रेट फॉरवर्ड देखते ही मार्क करेंगे, तो कोई थ्योरिया नहीं पूछेगा इसमें आपसे, बस सीधे ऐसे होगा। मेंस का क्वेश्चन 2023 का सुन लो, कौन सा एक ऐसा प्रोसेस है गैस का बताओ जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल, देख लो 2023 का क्वेश्चन देख लेना, ये भी डाला हुआ है।